हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जेके करियर इंस्टीट्यूट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर होता क्या है कि थ्योरेटिकल चैप्टर पूरा होता है, कई कई जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है, कहते हैं कि खुद ही पढ़ लेना आप। तो यहाँ पर काफ़ी थ्योरी होती है, जिसकी वजह से कि काफ़ी कम पढ़ाया जाता है इसे। न्यूमेरिकल यहाँ पर चैप्टर में नहीं होता है। तो हम यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि थ्योरी कैसे काम कर रही है, किस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है जहाँ से हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है। हम यूपी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, हमें इस चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है कि पृष्ठ रसायन, सरफेस की केमिस्ट्री, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे पास सरफेस है। सरफेस हम समझते हैं कि हमारे पास अगर टेबल पड़ा हुआ है, तो जो टेबल की ऊपर की सरफेस है वो हमारे पास एक सरफेस है। हमारे पास बुक पड़ी हुई है, तो बुक के ऊपर भी एक सरफेस हमारे पास है। तो हम देखते हैं कि सरफेस से रिलेटेड बहुत सारी फिनोमिना होती है, जिसकी केमिस्ट्री आज हमें पढ़नी है कि सरफेस पे कैसे कैसे टाइप की फिनोमिना होती है, वो क्यों होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें अगर हम चेंज करें तो हमें क्या क्या उसमें वेरिएशन मिलता है। और इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में तो कुछ सरफेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर हम थोड़ा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा इमल्सन पढ़ते हैं, फिर जाकर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके सभी चीज़ें प्रॉपर वे में समझते जाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास नाम से है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि सरफेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉल हो गई, ये हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर पता है कि हमें ये 3D में होता है, जैसे कि हमारे पास बेसन का लड्डू होता है, कुछ उस तरीके का। तो अगर हम एक, मान लीजिए हमारे पास मेटल का स्फेयर है, ये एक मेटल है, अगर ऐसा रखा हुआ है तो हम देखते हैं कि कई दिनों बाद इसके ऊपर धूल की एक लेयर जमा हो जाती है, धूल आकर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो हम उस धूल को क्या करते हैं, डस्ट को कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम धूल को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास डस्ट हो गया इस तरीके से। तो ये एक ऐसे एक फिनोमिना हो गई है जहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस के ऊपर कोई दूसरा मैटर आकर इकट्ठा हो रहा है। तो इस टाइप के फिनोमिना हम देखते हैं अपने जीवन में, और भी कई सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, अब की बार हम ये मान लेते हैं कि जो ये स्फेयर था, ये मेटल का ना होकर, ये मेटल का नहीं है, ये फोम का है। फोम का हमारे पास एक स्फेयर है, इसे हम क्या करते हैं कि वाटर में डिप कर देते हैं। वाटर में ये हमारे पास वाटर हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि वाटर पूरा फोम के अंदर तक पहुँच जाता है, ना कि सरफेस पे रहता है। क्योंकि जब हम इस फोम को निकालेंगे, जब इसे हम निचोड़ेंगे, तो उसमें से हमें पानी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पानी अंदर तक पहुंचा हुआ है, ना कि केवल सरफेस पे है। सरफेस के अंदर हमारे पास वाटर पहुंच गया है। ठीक है, तो हमने फिनोमिना देखी कि एक तो इस टाइप की थी जहाँ पर केवल सरफेस पर चीज़ें हो रही थी, सरफेस पर हमारे पास धूल इकट्ठा हो रही थी। दूसरा हमने देखा वाटर के साथ करके, अब वाटर में हमने डिप कर दिया तो वाटर इसके अंदर तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम सरफेस से रिलेटेड चीज़ें देख ही रहे हैं,
इस टाइप की फिनोमिना हमारे पास कहलाती है एडजॉर्प्शन, जो कि हमें पढ़ना है, जो कि हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस का टॉपिक है। और ये फिनोमिना कहलाती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है ना। तो इस तरीके की एक दो फिनोमिना हमारे पास हो गई, एक तो हो गया एडजॉर्प्शन और एक हो गया एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होगा कि हमारे पास सरफेस की फिनोमिना है और केवल सरफेस पे ही कोई दूसरा सब्सटेंस हमारे पास आकर एक्यूमुलेट होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या था कि एक हमारे पास मेटल था, मेटल एक मैटर हो गया, डस्ट हमारे पास एक मैटर हो गया। तो अगर कोई मैटर किसी दूसरे मैटर के सरफेस पे आकर इकट्ठा हो जाता है तो ये फिनोमेना कहलाती है एडजॉर्प्शन। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई मैटर हमारे पास किसी दूसरे मैटर के सरफेस पे ना रहे जबकि सरफेस के अंदर तक पहुंच जाए तो ये फिनोमेना कहलाती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री की जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यही पढ़ना होता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इस तरीके से। अब पूरे चैप्टर में क्या होता है कि हम इस एडजॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ते रहते हैं, पूरी एडजॉर्प्शन की कहानी चलती है हमारे चैप्टर में कि एडजॉर्प्शन कैसे हो रहा है, एडजॉर्प्शन का क्या रीज़न है, इससे रिलेटेड अभी और सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एडजॉर्प्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं छोटे से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी, हम देख रहे थे कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडजॉर्प्शन के संबंध में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास पहला बंदा है, उस बंदे का नाम है एडजॉर्बेट, और जो दूसरा आदमी है वो है एडजॉर्बेंट, और फिर जो तीसरा आदमी है उसका नाम है डिजॉर्प्शन, चौथे आदमी का नाम है सॉर्प्शन, सॉर्प्शन, इस तरीके से। अभी अभी हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सरफेस है और सरफेस पे कोई दूसरा मैटर आकर इकट्ठा होता है तो इस तरह की घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन। यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। हम यहाँ से अब कुछ चीज़ें और समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डस्ट था, डस्ट यहाँ पर आकर इकट्ठा हुआ है, तो इस डस्ट को भी हम कुछ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं जिसका नाम हमारे पास है एडजॉर्बेट, इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैटर हमारे पास है वो किसी दूसरे मैटर की सरफेस पे इकट्ठा होता है तो उस मैटर को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक एक दो नंबर में इन सब की डेफिनेशन आती रहती है हमारे पेपर में कि एडजॉर्बेट क्या होता है, या फिर हम बात करें एडजॉर्बेंट क्या होता है, या फिर हम बात करें डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरह की कहानी हमारे यहाँ चलती रहती है। तो समझ सकते हैं कि जो मैटर हमारे पास है वो मैटर जो किसी सरफेस पर इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उस मैटर का नाम क्या है, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और जान सकते हैं कि वो सरफेस, जिस सरफेस पे ये पूरा कांड हो रहा है, जिस सरफेस पे कोई दूसरा मैटर आकर इकट्ठा हो रहा है, इस सरफेस को भी हम कुछ कह सकते हैं जिसका नाम है एडजॉर्बेंट। तो ये चीज़ काफ़ी हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो डेफिनेशन और होती है कि एडजॉर्बेट क्या होता है एंड एडजॉर्बेंट क्या होता है, तो हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, ये हमारे पास स्फेयर था जो कि सरफेस हमारे पास है और सरफेस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और यहाँ पर हमारे लिए इस वक्त हमारे पास वाटर है जो कि इस स्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इस वाटर को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। ठीक, तो इस तरीके से फिलहाल अभी तक हम लोगों ने चार चीज़ें देख ली
कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बंदों को देखते हैं। जैसे कि अगला बंदा हमारे पास है डिस ऑप्शन, डिस ऑप्शन, ठीक है। तो डिस ऑप्शन एक हमारे पास प्रोसेस है, एक प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एडजॉर्प्शन हो गया है, तो हमारे पास जो लोहे की बॉल थी उस बॉल पर धूल मिट्टी आकर जमा हो गई है। हम चाहते हैं कि बॉल साफ़ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कपड़े से बॉल को साफ़ कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, जो एडजॉर्बेट है इस एडजॉर्बेट को हम एडजॉर्बेंट से अलग कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि एडजॉर्बेट को हम एडजॉर्बेंट से अलग कर दें, एडजॉर्बेट को हम रिमूव कर दें, हम धूल को साफ कर दें, तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारे पास डिसॉर्प्शन, ठीक है। छोटी छोटी सी कहानी है जो हमें पता होनी चाहिए, क्या कहलाती है, डिसॉर्प्शन, ठीक। उसी प्रकार अगर यहाँ से हम क्या करें, इस वाटर को अलग कर दें, इस वाटर को रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, तो ये प्रोसेस कहलाएगी हमारे पास डिसॉर्प्शन, ठीक है। ये कहानी हमारे पास हो गई। अब जो अगला बंदा हमारे पास है वो है सॉर्प्शन, सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन का मीन्स हमारे पास ये है कि अगर कभी दोनों फिनोमिना एक साथ हो जाती है, एडजॉर्प्शन वाली एंड एब्जॉर्प्शन वाली, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर ये दोनों फिनोमिना एक साथ होती है कि कहीं पर एक साथ ही एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो ये फिनोमिना कहलाती है हमारे पास सॉर्प्शन, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कि हमारे पास क्या था कि एक स्फेयर था। अब क्या हुआ कि स्फेयर को हमने वाटर में डिप किया था, तो वाटर क्या था, इसके अंदर तक पहुंच गया था, अंदर वाटर है, मतलब कि यहाँ पर अभी एब्जॉर्प्शन हुआ पड़ा है ना, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अगर इसे हम ऐसे खुले में रख दें तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल इकट्ठा हो सकते हैं इसकी सरफेस पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि डस्ट के पार्टिकल इसके सरफेस पर इकट्ठा हो गए, तो एब्जॉर्प्शन तो पहले से हुआ था, अब फिर से सरफेस पर इकट्ठा हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों फिनोमिना एक साथ हो जा रही है, एब्जॉर्प्शन भी एज वेल एज एडजॉर्प्शन भी। तो ऐसे फिनोमिना कहलाती है हमारे पास क्या चीज़, सॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एंट्री करते हैं सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो हमें एंट्री लेवल पर स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें पढ़नी होती है, और ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, इसी तरीके से हमारे पास सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिन्हें हमें पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज की कहानी देख सकते हैं, इतनी आसानी से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे और क्या क्या हमारे पास प्रोसेस है और क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।